मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेन स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डेटा कुछ इस प्रकार से है। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू शो किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स व्हेन 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर। फाइंड आरएफ एंड शो अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 हेक्टोमीटर ऑन द स्केल। ये प्रॉब्लम टोटल तीन स्टेप में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमको आरएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर टू एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डेटा में मेंशन किया गया है 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये आरएफ की कंडीशन है, मींस के साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पेपर वो 25 मिलीमीटर होगा और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 किलोमीटर है। देयरफॉर आरएफ इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब हमें आरएफ को यूनिटलेस बनाने के लिए किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर आरएफ इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख मिलीमीटर। देयरफॉर आरएफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 40,000। इसका मतलब है जो हम प्लेन स्केल बनाएंगे वो 40,000 टाइम्स रिड्यूस स्केल बनेगा। सेकेंड स्टेप में एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना पड़ेगा। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ इनटू मैक्सिमम मेजरमेंट। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मेजरमेंट। तो डेटा में हमको कहा गया है स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर। तो मैक्सिमम मेजरमेंट होगा 6 किलोमीटर। अब हमें इस किलोमीटर को अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 1 अपॉन 40,000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू 1 लाख। तो ये जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तीसरा स्टेप जो है वो है प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करना। तो पेपर के ऊपर इस प्लेन स्केल की जो लेंथ होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें 15 सेंटीमीटर की लॉन्ग लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें इस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसके लिए हमें आरएफ की कंडीशन रिफर करनी पड़ेगी। आरएफ में कहा गया है 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हमें इस 15 सेंटीमीटर लाइन में 25 मिलीमीटर के इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो टोटल 25 मिलीमीटर्स के 6 इक्वल पार्ट होंगे। अब हमें प्लेन स्केल के रूल के मुताबिक 0 फर्स्ट डिवीजन के एंड पर मार्क करना पड़ेगा और उसके राइट साइड 1, 2, 3, 4 एंड 5 और जो सिक्स्थ पार्ट है वो 0 के लेफ्ट साइड होगा। 0 के राइट साइड मेजर यूनिट मार्क करना पड़ेगा और 0 के लेफ्ट साइड माइनर यूनिट मार्क करना पड़ेगा। तो हमारे इस प्रॉब्लम में मेजर यूनिट जो है वो है किलोमीटर और जो माइनर यूनिट है वो है हेक्टोमीटर। अब हमें इस स्केल में इंडिकेशन देना है। तो इंडिकेशन के लिए हमें डेटा में कहा गया है इंडिकेट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 हेक्टोमीटर। तो 3 किलोमीटर जो है वो डायरेक्टली 0 के राइट साइड हम मार्क कर देंगे। तो ये 3 किलोमीटर की मार्किंग हो गई। अब हमें मार्क करना है 4 हेक्टोमीटर। तो 4 हेक्टोमीटर जो है वो फर्स्ट जो डिवीज़न है उसके अंदर हमें मार्क करना पड़ेगा। तो अब हमें फर्स्ट डिवीज़न के और फर्दर डिवीज़न करने पड़ेंगे जो डिपेंड करता है ये किलोमीटर और हेक्टोमीटर के रिलेशन के ऊपर। तो 1 किलोमीटर
इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। इसलिए हमें ये फर्स्ट डिवीजन के और फर्दर 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। अब ये जो डिस्टेंस है वो 25 मिलीमीटर है, तो 25 मिलीमीटर के हमें 10 इक्वल डिवीजन करने हैं, तो एक डिवीजन जो होगा वो 2.5 मिलीमीटर का होगा, जो हम डायरेक्टली सेट स्क्वायर से नहीं कर सकते, इसलिए हम मेथड यूज़ करके ये पहले डिवीज़न का फर्दर 10 डिवीज़न जो है वो करेंगे। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे जो कि है 5 मिलीमीटर, और 4 हेक्टोमीटर वो 5 के लेफ्ट साइड होगा। तो पॉइंट नंबर 4 से हम 4 हेक्टोमीटर का इंडिकेशन दे देंगे। तो ये हो गया 3 किलोमीटर एंड 4 हेक्टोमीटर। उसके नीचे हम RF लिख देंगे। RF इज इक्वल टू 1/40,000। तो ये प्लेन स्केल का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।